नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आप्पायन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल हिंदी टेक टिप्स। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रोजाना लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, नीचे देख सकते हैं रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद क्लिक करने के बाद जो घंटा का बटन है उसको भी क्लिक कीजिए। घंटा का बटन क्लिक करने से क्या होगा कि आप मेरा जो लेटेस्ट वीडियो आएगा उसको आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp के 10 अलग अलग नया फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो फीचर्स क्या है वो आप देख लीजिए। नंबर वन पे है कि आप कैसे कोई ग्रुप चैट में स्पेसिफिक एक जो मैसेज है उसका रिप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक जो मैसेज है लास्ट वाला, उसको देख लीजिए। उसको मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो ऊपर देख सकते हैं बाई तरफ एक फॉर्मेट है, उसको आप क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद जो आप लिखना चाहते हैं रिप्लाई देना चाहते हैं उसका आप रिप्लाई जो देना था वो टाइप कीजिए। उसके बाद सेंड कर दीजिए। तो ये सेंड हो गया, इसका जो ऊपर वाला जो मैसेज था उसका रिप्लाई। तो नंबर दो पर है कि आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आप कैसे मैसेज भेज सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग स्टाइल में मैसेज भेज सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए पहले आप जो स्टाइल देख लीजिए, पहले स्टार, उसके बाद हाई लिखिए, उसके बाद फिर से स्टार दीजिए, उसके बाद सेट कर दीजिए। देख रही है कि ये बोल्ड वाला होगा, इसका जो राइटिंग है वो चेंज हो गया। उसके बाद दूसरा वाला ट्राई करते हैं, उसके लिए इसको क्लिक कीजिए, उसके बाद हाई लिखिए और जो कुछ भी आप लिख सकते हैं क्लिक करके सेंड कर दीजिए। देखिए फिर से चेंज हो गया। तो नेक्स्ट वाला मैं ट्राई करता हूँ, उसके लिए ये क्लिक कीजिए, उसके बाद आप हाई क्लिक कीजिए और कुछ भी, उसके बाद आप इसको सेंड कर दीजिए। और एक स्टाइल देख लेते हैं, ये देख सकते हैं चेंज हो गया। तो नंबर थ्री पर है जो ट्रिक्स व्हाट्सएप के बारे में, वो है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ग्रुप में जो आपने मैसेज भेजा वो मैसेज कौन कौन सीन किया है। तो इसके लिए जो मैसेज मैंने भेजा था उसको अब देख रहे हैं। उसके बाद ऊपर आई का जो नोटिफिकेशन है मिडिल में, तो उसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कौन कौन भेज किया। और रीड बाय ये जो ऊपर वाला है उस पर दिखा रहा है 01 है, उसने ये मैसेज विजिट किया है, ये देखा है। तो अगर कोई और देखता था तो वो भी विजिट कर देख पाता, वो भी यहाँ पर देख पाता। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि WhatsApp पे कैसे GIF सेंड करना है। तो यह है मेरा चौथा टिप्स। तो इसके लिए पहले आप एक वीडियो सिलेक्ट कीजिए, गैलरी से जाके तो कोई भी वीडियो एक सिलेक्ट कीजिए। तो वीडियो सिलेक्ट करने के बाद ये देख सकते हो वीडियो सिलेक्ट हो गया। तो जो GIF है वो सिर्फ 6 सेकंड का हो सकता है, उसके ज़्यादा नहीं हो सकते। तो मैं इसके लिए जो वीडियो है उसको कमा के 6 सेकंड कर रहा हूँ। नहीं, 6 सेकंड हो गया। तो ऊपर देखा लिखेगा एक नया लोगो चला गया है, उसके आप क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद देख सकते हैं GIF हो गया। अब इसको सेंड कर दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर लिखा रहा है कि WhatsApp सेंडिंग GIF। तो ये सेंड हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं आप जो मैसेज यहाँ पर लिखा है वो कैसे आप ईमेल में सेंड कर सकते हैं, मैसेज जो भेजा है वो कैसे आप ईमेल में सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने GIF सेंड किया, जो मैंने मैसेज है उसको कैसे ईमेल में सेंड कर सकते हैं। तो इसके जो ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए मोड पर, तो उसके बाद ईमेल चैट पे क्लिक कीजिए। सो आप यहाँ पर अटैच मीडिया कर सकते हैं, उसके बाद आपको ईमेल पे चला जाएगा।
सॉरी यहाँ पर मैं जीमेल पर करने वाला हूँ, ईमेल लॉगिन नहीं है इसलिए ईमेल सेट लेटर्स मीडिया जीमेल। इसके बाद जो ईमेल पर आप सेंड करना चाहते हैं जिसका ईमेल पे वो आप यहाँ पर दीजिए, इसके बाद ईमेल चला जाएगा। ये था मेरा फिफ्थ टिप्स। इसके बाद सिक्स टिप्स में आएगा कि आप कैसे व्हाट्सएप का जो डाटा है, कॉलिंग करने के टाइम पे जो डाटा है लगता है वो कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए आप जाइए सेटिंग पर, उसके बाद आप डाटा यूज पर जाइए, उसके बाद लो डाटा यूज क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट नहीं क्लिक कर सकते तो मैं क्लिक कर दिया लो डाटा यूज कर दीजिए। तो अब चलते हैं सात नंबर जो है उसका उस पर। तो सात नंबर जो है उसको वो है कि आप कैसे अपना लास्ट सीन हाइड कर सकते हैं। तो लास्ट सीन हाइड करने के लिए ऊपर क्लिक कीजिए, ऊपर क्लिक करने के बाद सेटिंग पर क्लिक कीजिए, सेटिंग के क्लिक करने के बाद अकाउंट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद प्राइवेसी में सिलेक्ट कीजिए। प्राइवेसी सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देख सकते हैं हु कैन सी माई प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, तो लास्ट सीन देखा रहे वहाँ पर, तो वहाँ पर आप नोबॉडी कर दीजिए। तो नोबॉडी करने के बाद अब कोई नहीं देख पाएगा आपका लास्ट सीन। तो उसके बाद आप व्हाट्सएप पे फोटो एडिट कैसे करके सेंड कर सकते हैं उसको दिखाएंगे, वो है मेरा आठ नंबर टिप्स। तो जो फोटो सिलेक्ट करना सेंड करना है उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पहले, समझिए ये जो फोटो है मैं इसको सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जो फोटो क्रॉप करने का ऑप्शन है यहाँ पर क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं, इसको आप घुमा के सेंड कर सकते हैं। सो ऐसे ही आप सेंड कर सकते हैं। मेरा जो नया नंबर टिप्स है वो है कि आप कैसे ग्रुप का कोई भी मैसेज और कोई भी मैसेज आप कैसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो मैसेज सेव करना चाहते हैं उसको क्लिक कीजिए, उसके बाद उसको स्टार पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका मैसेज सेव्ड हो गया। तो आपको इसके बाद कैसे देखना मिलेगा, तो आप इसके बाद जाइए ऊपर पर देख कर आपका सेव मैसेज दिखा जाएगा ऊपर पे। तो दोस्तों मेरा जो लास्ट है वो आप फेसबुक पे जो फेसबुक के मैसेंजर पे जो पॉपअप देख सकते हैं डायरेक्ट, तो वो कैसे व्हाट्सएप पे पाना है। तो इसके लिए आप पहले सेटिंग पे जाइए, सेटिंग के जाने के बाद जो नोटिफिकेशन है उस पर जाइए, उसके बाद जो पॉपअप नोटिफिकेशन है उसको ऑलवेज शो पॉपअप कर दीजिए। इसके बाद ऑलवेज शो पॉपअप करने से आपका जो मैसेंजर पे जो नोटिफिकेशन आते हैं डायरेक्ट ऊपर दिखा जाता है उस वैसा ही व्हाट्सएप पे भी दिखाएगा ऊपर पे। अभी तक कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा व्हाट्सएप का लेटेस्ट ट्रिक्स। तो दोस्तों ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड इस वीडियो को ज़रूर 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 लाइक कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हिंदी टेक टिप्स। बाय बाय, हैव ए नाइट डे।